एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा और ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है एवरी जॉडिक के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्लैनेट्स कंजक्ट कर रहे हैं, कुछ नियर बाय हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही डिटेल में लेकर आई हूँ इस वीक के बारे में, ठीक है। एंड ऑफकोर्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि जो ये रीडिंग्स हैं ये आपको और रेजोनेट करें। और आई वुड लाइक टू से वन थिंग मोर, जो ये रीडिंग्स हैं आप अपने असेंडेंट से देखेंगे तो और आपको रिलेट करेंगी। असेंडेंट से मेरा मतलब है जो आपकी कुंडली में जो आपका फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट साइन होता है, दैट इज़ योर असेंडेंट। एल्स आप जिस भी जॉडियक से अपने आप को रिलेट करते हैं आप उससे भी देख सकते हैं। एंड सेकेंडली थिंग गाइज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ आप इस बात पे ध्यान दें। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कोई लड़की है वो नीचे कमेंट सेक्शन में हर एक वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट की हुई है तो उनको कमेंट कर रही है। सी कोई इश्यू नहीं है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने सवाल किए हुए हैं। अगर आप ऐसे रेंडमली किसी से भी पूछ लेंगे अपने सॉल्यूशंस के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो हेल्प करेगा। आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं, आपको मुझसे कंसल्ट नहीं करना है, किसी और से कंसल्ट करना है, गो अहेड, बट मेक श्योर आप किसी भी अच्छे प्रोफेशनल के पास जाएं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा गाइड कर पाएगा। वो आपके सारी चीज़ों को देखेगा, कंसिडर करेगा, आपके प्लैनेट्स, आपके नंबर्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। और वो लड़की हर जगह कमेंट कर रही थी। सी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना बिजनेस जो भी है आप करो, आप कंसल्ट करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन प्लीज़ अपने पेज पे, अपनी कम्युनिटी पे, अपने किसी यूट्यूब चैनल पे, मेरे यहाँ पे आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। और गाइस अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, ऑफ कोर्स दीज आर पेड कंसल्टेशन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर है। और मेक श्योर आप प्रोफेशनल के पास ही जाएं, ठीक है। और जब भी हम फ्री के चक्कर में इधर उधर भागते हैं ना, तो चीज़ें ना आपको मिसगाइड ज़्यादा कर देती हैं। तो मेक श्योर यू अप्रोच टू राइट पीपल, ठीक है। सो दैट्स इट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हेलो एरीज, तो देखते हैं आपके लिए इस वीक क्या आ रहा है, ठीक है। जो एरीज है, एरीज में ना कहीं बहुत चीज़ें, बहुत प्लैनेट कंजक्ट हो रहे हैं, जिसमें आपका सेकेंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है, एंड सेकेंड हाउस इज़ ऑल अबाउट एक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग ये दोनों ही बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं आपके लिए आने वाले वीक में। एंड दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लव, मनी एंड रोमांस, यस रोमांस, ठीक है। और आपका मन करेगा आप शॉपिंग करें और अपने पैसों को वेल स्पेंड करें, ये भी ले लें वो भी ले लें, ठीक है। और कुछ चीज़ें आप ऐसा भी होगा, हो सकता है इस वीक ना कि आप कुछ चीज़ें रख के भूल जाएं, ठीक है, और आपको लगे कि वो चीज़ें मिसप्लेस हो गई हैं और आप ना उन्हें ढूंढ रहे होंगे, जैसे ना कुछ ढूंढ रहे होंगे, कहीं और होंगे पर आप ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। और इस वीक को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाएं, बिल्कुल भी ऐसे ना हो कि आप क्या कहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है आपको इस वीक। ये आपके लिए मेन गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी, और टैरो से हम पूछेंगे आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। लेट्स सी एरीज आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला वीक, ठीक है। लेट्स सी, ऑलरेडी यहाँ पे हमारे, मैं दोबारा शफल करूंगी, देयर आर लॉट ऑफ कार्ड्स, लेट्स सी। एरीज वाइल आई वॉज डूइंग योर थिंग, तो मुझे एक सॉन्ग भी चैनलाइज हुआ था, इट्स बाहों में चले आओ, कुछ इस तरीके का हो सकता है कि आप बहुत, इट्स ऑल अबाउट रोमांस, इंटीमेसी, दिस वीक। लेट्स सी, ओके सी,
कार्ड्स भी आपके यही कह रहे हैं कहीं ना कहीं। चैरियट मूवमेंट का कार्ड है, एक्टिविटी का कार्ड है, आगे बढ़ने का विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। डेफिनेटली आपकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी इस वीक, कुछ चीज़ें एंड हो जाएंगी बिल्कुल ख़त्म। सोरोनेस, फियर, किसी भी तरीके का कोई डर, कोई भी माइंड मैनिपुलेशन चल रही थी बहुत टाइम से। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, अथॉरिटी के साथ इस वीक को आप आगे बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं और फुल पैशनेट हैं आप इस वीक। ठीक है, पैशन में मुझे आप दिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीक कहूँगी मैं एरीज आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए लकी नंबर क्या आ रहा है। नंबर टू, सो 2, 11 और यू नो ये जो नंबर्स हैं जो टू की सीरीज में है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। टू इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, मून, योर इमोशंस। ठीक है, तो और कुछ चीज़ों में आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं इस वीक, पेशेंस रखिएगा एरीज। ठीक है, और सरेंडर कर दीजिएगा कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं तो नहीं हो रही हैं। आप ये नहीं कि उसको स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए, सी ब्यूटी रिचुअल्स। मैंने कहा आपको, आप शॉपिंग कर सकते हैं, अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपनी ब्यूटी रिजीम को बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हेयर फिक्स कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका मन करें। ठीक है, आप सलोन विजिट कर सकते हैं अगर आपने बहुत टाइम से नहीं किया है। अपने ब्यूटी रिचुअल्स को फॉलो करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। लेट्स सी लव कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Yes, तो इस वीक आपको ये भी ध्यान रखना है। Yes, you are passionate, you are full of energy, you are full of enthusiastic, but दूसरे इंसान को भी स्पेस देना है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप चाहें वो अवेलेबल हो, तो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, सो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें इस वीक। ठीक है, एंड ओवरऑल दिस इज़ अ गुड वीक, सो एन्जॉय दिस वीक टू द फुलेस्ट। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।